नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आज हम एक ऐसा प्रयोग जानने वाले हैं जो कि एक तरह से हमारे शरीर के लिए वरदान साबित होता है और इस प्रयोग को करना भी काफी आसान है। लगभग एक महीना ये प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां ये खत्म कर देता है, चाहे वो बालों के सफेद होने की हो, आंखों में रोशनी की कमी हो, पुरुषों में वीर्य की कमी, शुक्राणुओं की कमी, स्वप्न दोष जैसी समस्या हो गई, शरीर में भूख न लगना, खाने का सही से न पचना, पाचन में कमी हो गई, खून को शुद्ध करना और इसी प्रकार के बहुत सारे रोगों में ये प्रयोग बहुत ही लाभकारी होता है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि प्रयोग क्या है। दोस्तों इसमें हमें प्रयोग करना है आंवले का। जी हाँ दोस्तों, आंवला आयुर्वेद में बहुत ही गुणकारी माना जाता है। जब भी आंवला का सीजन हो उस दौरान ये प्रयोग करना है। जब आंवला बाजार में नहीं आ जाए तो उस टाइम ये प्रयोग करना है। लगभग एक महीने तक ये प्रयोग करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक आंवला लेना है रोजाना और उसे काट कर खाना है। अगर आप ये प्रयोग न कर पाए तो आपको क्या करना है, एक आंवला ले लें, उसे काट कर आप उस आंवला को मिक्सर में डालना है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका पेस्ट बनाना है। जब ये पेस्ट बन जाए तो इस पेस्ट को छन्नी की सहायता से छान कर नीचे आपको जूस निकालना है, उसका रस निकालना है। और 2 चम्मच ये रस और इसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर आपको सेवन करना है। लगभग 20-25-30 दिनों तक आप इस प्रयोग को करें आंवला के सीजन में। दोस्तों ये जो प्रयोग है हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, बहुत ही गुणकारी होता है। ये हमारे शरीर से हानिकारक रसायनों को भी निकाल देता है। पुरुषों की मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी होता है। इसका प्रयोग करने से हमारे शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सभी धातु मजबूत बनते हैं। चेहरे की झुर्रियां भी इससे दूर होती है। इसका सेवन आपको क्या करना है, प्रतिदिन रोजाना सवेरे उठना है, उठने के बाद योगा करना है, चाहे आप वॉकिंग कर लें और उसके बाद इसका सेवन करना है शरीर को निवृत्त यानी कि फ्रेश करने के बाद। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।